शिंदे सरकार पर आज सुप्रीम कोर्ट में चुकादो आवशे। 16 बागी धारासभ्यों अंगे सुप्रीम कोर्ट चुकादो आपशे। शिंदे जूथना 16 बागी धारासभ्यों अंगे सुनावणी। महाराष्ट्रनी राजनीति माटे आज महत्वनो दिवस। शिंदे जूथना 16 धारासभ्य ने गैरलायक ठेरवा उद्धव ठाकरे अरजी करी हती। वर्ष 2022 में शिंदे जूथे शिवसेना में बगावत करी हती। उद्धव जूथ द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अरजी पर सुनावणी हाथ धराशे। किस सरकार को खतरा नहीं है, बीजेपी सरकार को या शिंदे सरकार को? मैं महाविकास आघाड़ी का नेता हूं, मैं शिवसेना का एमपी हूं। मुझे लगता है सरकार को खतरा है, क्योंकि मैं जिस पार्टी को या जिस आघाड़ी को रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैं मेरा लोगों का हौसला बढ़ाऊंगा और कहूंगा अगर 16 MLA डिस्क्वालीफाई होते हैं तो बचे हुए 24 भी डिस्क्वालीफाई हो गए और सरकार तुरंत गिर जाएगी। सरकार को खतरा नहीं, ऐसे कैसे कोई बोल सकता है? अगर मुख्यमंत्री शिंदे का भी नाम है डिस्क्वालिफिकेशन के लिस्ट में, अगर मुख्यमंत्री डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे तो समझ लो ये सरकार और ये गद्दारों का गढ़ खत्म हो जाएगा। तो शिंदे जूथना 16 धारासभ्य ने गैरलायक ठेरवा माटे उद्धव जूथे अरजी करी हती। वर्ष 2022 में आखो घटनाक्रम सर्जायो हतो, ज्यारे उद्धव जूथ ने नो टेको पाछळ राखीने अने शिंदे जूथ आगळ वध्या हता। अने हालमां 16 बारवाखोर धारासभ्य पर आज चुकादो आवनार छे। जो तेओ अनक्वालिफाइड एटले गैरलायक ठेरशे तो पछी महाराष्ट्र राजनीतिमां मोटो बदलाव आवानी शक्यता छे। शिंदे सरकार पर सुप्रीम कोर्टनो चुकादो खूब ज महत्वनो। महाराष्ट्रनी राजनीति माटे आजनो दिवस खूब महत्वनो छे। शिवसेनानी जे उद्धव छे, एटले के उद्धव जे शिवसेनानी वात करी रह्या छे, तेमना पासे 17 धारासभ्यो जे छे तेमनुं हालमां समर्थन छे। दिल्लीथी अजय यादव जोड़ाई गया छे। अजय, जिस प्रकार से सारे विधायक, जो 16 विधायक हैं उनके खिलाफ जो एक अर्जी की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, आज उसका आदेश आने जा रहा है, महाराष्ट्र की राजनीति में ये आदेश कितना असर कर सकता है? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं बल्कि कह सकते हैं कि देश की राजनीति पे इसका असर होगा, क्योंकि जिस तरह से उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से आरोप लगाया गया कि एक बनी बनाई सरकार को किस तरह से 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने के बावजूद भी सरकार बनाई गई, तो ऐसे में ये नज़ीर पूरे देश के सामने पेश होगी। हालांकि इस फैसले से पहले खुद जो उद्धव ठाकरे की तरफ से संजय राउत ने कहा कि आज तय होगा कि देश संविधान से चलेगा या खरीद फरोख्त से चलेगा, जबकि इसके पहले कल शिंदे हैं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, उनकी तरफ से भी एक मीटिंग की गई और साथ ही साथ ये दावा किया गया कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो 16 विधायक हैं वो अयोग्य ठहराए जाते हैं या नहीं ठहराए जाते हैं। अगर अयोग्य ठहराए जाते हैं तो फिर महाराष्ट्र की सरकार पर इसका क्या असर पड़ सकता है? फिलहाल की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में जो विधानसभा की सीट है 288 है और बहुमत के लिए 145 सीटों का आंकड़ा चाहिए, और शिंदे और भाजपा की जो सरकार चल रही है उसके पास 166 सदस्य हैं, 66 विधायक हैं। तो ऐसे में अगर 16 विधायक अयोग्य ठहराए जाते हैं तो तब भी एक तरह से इस गुट के पास बहुमत है। लेकिन मामला यही नहीं बनता है, क्योंकि अगर खुद उसमें शिंदे भी शामिल हैं और जो 16 विधायक अयोग्य ठहराए जाते हैं तो निश्चित तौर पर यह सरकार गिर जाएगी। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि बाद में भले भारतीय जनता पार्टी और शिंदे का जो गुट है वो मिलकर एक बार फिर सरकार बना सकता है। तो सबकी इस पर नजरें हैं और देखना यह होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ है इस पर क्या कुछ फैसला देती है। लेकिन अगर अयोग्य नहीं ठहराए, जो जिन विधायकों को स्पीकर ने अयोग्य ठहराया है, तो अगर वो उसके पक्ष में फैसला जाता है तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो अलग अलग जगहों पे सरकारें चल रही हैं वहाँ पर भी इसका असर पड़ सकता है और सारी चीज़ें एक तरह से वैध हो सकती हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। लेकिन कुछ जो इंटेलेक्चुअल्स या सुप्रीम कोर्ट के जो जानकार जो वकील हैं, जानकार वकील हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आज का फैसला बहुत कुछ भारत में जो राज्य सरकारें चल रही हैं या आने वाले समय में केंद्र सरकार भी के ऊपर भी इसका क्या असर पड़ेगा, ये बहुत कुछ देखने वाली बात होगी। कहा जा रहा है कि 11:40 के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पे आ सकता है। बिल्कुल, धन्यवाद, ज्यादा अपडेट के लिए आपके संपर्क में रहेंगे अजय।